वो ये होटल 2024 के अनुसार अगर हम आइडेंटिटी प्रूफ अगर नहीं देते हैं तो क्या हम लोग को होटल में अलाउ करेगा? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या हम ओयो जा सकते हैं? बहुत सारा आप लोगों का मन में सवाल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओयो होटल का 2024 का नया नियम क्या है। सबके दिमाग में ओयो का बात उठने से एक ही दिमाग चलता है, तो वो सब चीज़ भी अच्छी बात है। एंड आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओयो होटल में 2024 का रूल क्या बोलता है। एंड ये रूल आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग होटल में विजिट करो तो आप लोगों को ये चीज़ का दिक्कत ना हो, ठीक है? तो आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा से कमेंट कर दे मेरा वीडियो कैसा लगता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जो जो पॉइंट आपको भी अगर कुछ कुछ चीज़ अगर डिटेल में जानना है, कि आपको कोई भी डाउट अगर रह गया होगा, तो मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कोई बात नहीं, जितना भी साल का एक्सपीरियंस है बट मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को पूरा बढ़िया से देखना है, हर चीज़ में आपको समझाऊंगा। पहला सवाल ये उठता है कि पुलिस का डर लगता है लोगों को, नया कपल्स हो, आप सोचते हो कि होटल जाए तो क्या करे भाई, कहीं पुलिस पकड़ने ले। सबके दिमाग में ओयो का जब बात उठता है तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलता है कि पुलिस का डर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ 2024 में रूल के अनुसार में अगर आप ओयो होटल जाते हो, अनमेरिड कपल्स हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल ये समझते हैं कि जो लोग शादीशुदा नहीं हैं अगर वो लोग ओयो होटल जाता है तो भाई पुलिस का खतरा रहेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2024 रूल के अनुसार अभी कोई ख़तरा नहीं है, ओयो होटल में कोई भी जा सकते हो, बट कुछ चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझने का ज़रूरत है। तो पुलिस लोग ओयो होटल कुछ जगह पर लोग रेड करते हैं, वो चीज़ भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आज नहीं तो कल कभी ना कभी ओयो होटल जाओगे। तो पुलिस लोग रेड उस जगह करता है जहाँ पर कोई फैमिली अगर कोई होटल में रहता है, उन लोग को लग रहा है कि इस जगह पे कोई गलत एक्टिविटी चल रहा है, उन लोग को लग रहा है कि भाई ये कपल्स के अलावा दूसरा कुछ या अलग इनलीगल एक्टिविटी चल रहा है, तो उस जगह पे वो लोग क्या करेगा कि वो लोग पुलिस को बुला देगा और पुलिस लोग वहाँ आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। बट ये चीज़ है कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता है, कि पुलिस लोग को ये अधिकार नहीं दिया कि वहाँ पर अरेस्ट करें। अगर वहाँ पर सच में कुछ इनलीगल एक्टिविटी चलता है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखना है। और हमेशा की तरह इस बारे में इस वीडियो में भी बताना चाहता हूँ, एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और एज 18 साल से प्लस हो तो अच्छी बात है। और हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप लोग जो बोलते हो कि विदाउट आईडी कार्ड से हो जाए क्या, मेरा अगर अपना आईडी कार्ड देता हूँ, मेरा पार्टनर का आईडी कार्ड नहीं दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? देखो यार, दिक्कत तो होगा, क्योंकि आप अगर आईडी नहीं देते हो तो वो आपको अलाउ करेगा, क्योंकि ये सब जो रूल है गवर्नमेंट खुद बोलता है कि यार आप लोग को आईडी दिखाना है, होटल्स पर रहते हो तो आप लोग का आईडी प्रूफ होना चाहिए, ताकि उन लोग को एक प्रूफ के तौर पर लगे कि ये लोग अपना एक एज सही है, उन लोग के पास आइडेंटी प्रूफ है। अगर विदाउट आइडेंटी प्रूफ से अगर जाओगे आपको वहीं पर मना कर देगा, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका मर्जी आप लोग को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो हर होटल सेम नहीं होता है, कोई कोई जगह पर अलाउ करता है, कोई कोई जगह अलाउ नहीं करता। अगर आपको देख के लोग लग रहा है कि भाई सही नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। तो इस केसेस में अगर मान लो आपका पार्टनर का आप अगर बोलती है कि यार, इसमें सबसे बड़ा बात ये उठता है कि भाई हम लोग का जो आइडेंटिटी प्रूफ है कहीं पर किसी को पता तो ना चल जाएगा। देखो ये सब चीज़ होटल में एक चीज़ होता है कि आप लोगों को समझने का ज़रूरत है, होटल में ये सब प्राइवेसी का ध्यान रखा होता है और ये सब चीज़ आप लोगों का कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ अभी लेटेस्ट का अपडेट में मैं सब पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों कोई भी प्राइवेसी को लोग का कोई हक नहीं है कि आप लोग कोई प्राइवेसी को लीक करें, क्योंकि उसमें एक लीगल तरीके से आप जा रहे हो, एज आपका सही है, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों अगर कोई स्टाफ अगर ख़राब बिहेवियर करता है तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, कुछ अगर इन फ्यूचर दिक्कत होता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी अलग सिटी से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज 18+ हो तो आपका अगर जान पहचान यहाँ पर है, अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है तो भी आप एक दूसरे को रह सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हिसाब से सबको खुशी मिलना चाहिए और कोई भी होटल में जा सकता है 18+, और ये पूरा छूट दिया गया है। बट कोई इनलीगल एक्टिविटी ना हो, कि जो आप पार्टनर हो आप दोनों के लिए ठीक है, बट कुछ गलत एक्टिविटी मतलब ड्रग्स इस तरह का चीज़ सेवन करते हो, कुछ जो चीज़ अलाउ नहीं किया जाता उस तरह का चीज़ को अगर लेके वहाँ रखते हो, अगर पकड़ा जाओगे तो फिर आपको जेल हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ आप लोग बेसिक नॉलेज आप लोग को पता होना चाहिए होटल में विजिट करने से पहले, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है? आप लोग इजीली जा सकते हो, कहीं का भी लोकेशन से आओ, कोई इशू नहीं है।
और कुछ कुछ जगह पे अलाउ नहीं करता है, तो आपको टेंशन नहीं होना है, क्योंकि उस जगह का उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है एंड दूसरा हर होटल पे सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपडेट था, अपडेट में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग क्या क्या बताया। पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है, और कोई भी कपल्स बाहर से आ रहे हो लोग अलाउ कर देगा। 18 साल से कम हो तो दिक्कत हो जाएगा, 18+ होना चाहिए, और आप लोग का प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये पूरा गवर्नमेंट का तरफ से बोला गया है, तो आप लोग को बस कहीं पर भी जाना है, होटल कोई भी लेना है, एंड आप लोग अगर प्रॉपरली अपना सिटी के होटल के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हो, तो मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा एंड आप लोग अपडेट देते रहूँगा। तो बस आप लोग क्या करना है, प्यार दिखाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो टॉप होटल्स के बारे में बताऊँगा अपना सिटी का, फिर अदर सिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके पता करूँगा, एंड क्या क्या अपडेट आते रहते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। जो जो आपका माइंड में जो क्वेश्चन है, मैं उस वीडियो में कभी कभी उस क्वेश्चन को मैं वीडियोस में बता दिया करूँगा, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो मेरे को बताना, अच्छा लग रहा है तो अच्छे से लाइक करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।